आज के 100 साल पहले हमारे भारत में 99% किसान थी। आज के 100 साल पहले भारत में कितने परसेंट किसान थे? पूरा भारत किसान था, लगभग 1% छोड़ दो आप तो। क्यों जी, सही है? हम पूरे लोग किसान थे आज के 100 साल पहले। क्यों जी, आपके बाप दादे कभी किसान तो रहे होंगे, 2-4 पीढ़ी पहले ही सही, 6 पीढ़ी पहले सही, हाँ या ना, किसानी थी। अच्छा, पहले किसानी कैसे होती थी जानते हो? पहले के लोग कैसे थे, मैं पहले के लोगों का परिचय करा रहा हूं आपसे, जरा परिचय समझिएगा। पहले किसान था ना, किसी की 5 एकड़ जमीन थी, किसी की 2 एकड़ जमीन थी, किसी की 50 एकड़ जमीन थी। तो जब किसान की फसल आती थी, जैसे अब चैत्र का महीना आएगा तो चैत्र में किसानों की फसल आने लग जाएगी, वैशाख में पूरी फसल कट जाए। तो किसान ना पहले क्या था मैया, पहले थ्रेसर वगैरह नहीं थी, मशीनरी जमाना नहीं था। पहले क्या था कि पहले किसान खेत से गेहूं चने काट कर और गल्ले में रखते थे। एक गाय के गोबर से खेत में एक हिस्से को लीप करके बढ़िया कूट करके बढ़िया पानी डाल के बढ़िया, उसे हमारे भाषा में गल्ला कहते थे। गल्ले को लीप लो मतलब उसे गल्ले, आपकी भाषा क्या थी आप समझिएगा। उसे उसमें ना किसान अपनी फसल काट करके जमाता था, उसे खरही कहते थे। खरही लगा रहे मतलब गेहूं को ऐसी गोल गोल राउंड में जमाते थे ऊपर तक, मतलब 20-25 फीट ऊपर तक गेहूं गेहूं की बालियां जमती थी, उसे खरही बोलते हैं। चने की खरही, गेहूं की खरही, मसूर की खरही, ये हमारे गांव की भाषा में खरही बोलते। आपके क्या बोलते हैं आप जानो? तो उसमें लोग जमाते, फिर ना क्या होता था, बैलों को बीच में खूंटा गाड़कर वो सब रखते हो, बैल चलते तो बैल के पांव के नीचे से कुचल करके वो दाना छिलके से अलग होता था, या कुछ माताएं कूटती थी, जैसे गेहूं की बालियों को पिटने से, जैसे कपड़े को नहीं धुलते आप लोग, ऐसे कूटती थी तो उससे छिलका अलग होता, इस तरह से ये प्रोसेस था। अब सुनिएगा, जब किसानों का पूरा अनाज रेडी हो जाता था तो किसान सबसे पहले अपने गांव के धोबी को, नाई को और पानी भरने वाले केवट को और ब्राह्मण को, पहले किसान इन चारों को बुलाया करता था, भैया आओ, और कुम्हार को, कुम्हार, सबको बुलाया करता था। और गल्ले में ही, अभी फसल घर नहीं आई, अभी फसल घर नहीं आई कि खेत में ही किसान सबका हिसाब चुकता करता था। भैया तुम हमें साल भर घड़ा देते हो ना, माटी के बर्तन कुम्हार, तो कुम्हार को वही नाप देता था, चल 5 कोड़े 13 या 10 कोड़े, जो भी कोड़े समझते हो ना, कोड़े, हाँ, आजकल किलो है, पहले कोड़े होता था, पहले और पहले शेर होता था, 1 शेर 2 शेर 3 शेर, शेर का जमाना सुना ना आप लोगों ने, 1 शेर चावल 1 शेर गेहूं, शेर सुना आप लोगों ने, पहले 1 किलो नहीं होता था, पहले 1 किलो को 1 शेर बोलते थे, आधा किलो को आधा शेर बोलते थे, ऐसे कोड़ो होता था, 1 कोड़ो 1 कोड़ा 4 कोड़े 5 कोड़े, ऐसे। जो नाई होता था, पहले ना नाई एक बंधा होता था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी सेविंग करेगा, जहां गांव में सूतक पड़ जाए तो पूरे परिवार कुटुंब की फिर वो सेविंग, पहले के जमाने में ये दुकान नहीं थी, ऐसे सेविंग करने गांव में आते थे वो, तो उसका साल में एक बार जाता था, फसल आई तो भैया पहले 13 हिस्सा तू ले ले, देखो ईमानदारी कितनी थी, उनका हिस्सा उसे, केवट का हिस्सा तू, पानी जब शादी ब्याह बच्चे में तो केवट लोग घर में पानी भरते थे ना, केवट का पानी पियेंगे, केवट पानी भरेगा, बर्तन धुलने वाले बर्तन, सबको फिर पहले नाप देते थे, पंडित जी को बुलाकर, पंडित जी आप हमारा अन्न निकला है खेत का, कुछ हिस्सा आप ले जाओ और मंदिर में ठाकुर जी का भोग लगा के आप प्रसाद पाना, एक हिस्सा ब्राह्मण का, एक हिस्सा वो कुम्हार का, एक हिस्सा केवट का, एक हिस्सा धोबी का, और भी यदि मैं कुछ भूल रहा हूं तो वो आप समझ लेना, और भी सबका हिस्सा देकर जब सबका बट जाता था तब किसान फिर बची हुई फसल अपने घर लाता था। और वो फसल जब सबका हिसाब बट गया, सबको दे दिया, तो सबको देने से उसका जो अनाज था, उसका जो धन था, वो शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध अनाज जब खाएगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी।
आजकल तो आदमी किसी का हिस्सा देना ही नहीं चाहता, किसी का देते ही नहीं है। जबकि आप बताओ सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, व्यापारी की मेहनत ज्यादा होती है कि किसान की? आप किसी देखो, पैसा तो व्यापारी भी कमाता है, पैसा तो देखो आजकल तो इंजीनियर भी कमा रहे, डॉक्टर भी कमा रहे, पायलट भी कमा रहे, सब कमा रहे हैं, लेकिन सबके पैसों से सबसे मेहनत का पैसा आज भी यदि किसी का है तो किसानों का पैसा सबसे मेहनत का। कितने लोग इस बात से सहमत? आज भी किसानों को रात भर जाग करके खेतों में पानी चलाना पड़ता है। सर्दी पड़ रही है दिसंबर की, पर किसान 2 बजे रात को शिफ्ट बदलता है। शिफ्ट बदलना मतलब पाइपलाइन चेंज करना, यहां सिंच गया वहां पर नोजल बदलता है, यहां हो गई वहां, किसान की मेहनत। लेकिन फिर भी वो किसान फसल आते ही सबका हिस्सा देता है, अलग अलग करता। लेकिन इसलिए पहले के लोग सुखी थे, पहले के लोग किसी का हिस्सा खाते नहीं थे, बुला के देते थे, ले जा भैया ले जा। और आजकल तो आपसे कोई आदमी 5,000 ले लेता है तो वो देते ही नहीं है, और मांगो तो कहता खा के भागे जा रहे हैं क्या, इतना बेईमान आज का आदमी हो गया। पहले लोग ईमानदार थे साहब, पहले ईमानदार थे, इसलिए अच्छा था सब। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी विनती है कि आज भी आप किसानों से और उस जमाने के इस बात से सीखो। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। मैं जब छोटा था ना, हमारे गांव में ऐसे ही होता था, हमारे देखते देखते थ्रेसर आई है, पहले थ्रेसर नहीं होती थी। हमारा गांव बहुत, आपके शहरों में आपके यहां शायद बहुत पहले चीजें आ गई, पर हमारे गांव तक आते आते टाइम लगा ना। हमारे यहां ट्रैक्टर बहुत बाद में, हमने खेतों में हल चलते खूब देखे अपनी आंखों से। हमारे यहां खूब गांव में बैल थे, बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, किसानों का धन बैल हुआ करते थे, किसानों के यहां चार चार हल होते थे, है ना, हल जो बलदेव जी बलदाव जी लेके नहीं चलते, हल मूसल हल। तो ये सब हमने देखा है, खूब बुवाई करते थे। वो छोटा सा वो 3 का होता था वो कुसिया, उसमें से दाना डालते जाते थे किसान, चलता जाता था बैल, वो दौर। उसके बाद फसल आए तो खरही, खरही पर हम लोग खूब खेला करते थे। अभी धान कटी ना, धान का प्यार आता है, उस प्यार पर गांव के लोग क्या करते हैं, ये जो धान का प्यार होता है ना, प्यारा प्यार समझते हैं ना, धान की बाली से तो धान निकल जाती है, पर जो उसका डंठल बचता है उसे प्यार बोलते हैं। उस प्यार के ना लोग गद्दा बना के जमीन पर बिछा कर उसके ऊपर चादर वादर बिछा के गांव के लोग सोते, हमने भी उस पर खूब सोए, घर में ले आते थे उसमें बिछा ले, सर्दी नहीं लगती थी। कुछ लोग इतने गरीब होते ना गांव में, ओढ़ने को रजाई नहीं होती, बिछाने को गद्दा नहीं होता, तो वो प्यार बिछाते हैं, प्यार के ऊपर चादर बिछा लेते हैं, और एक बड़े से जैसे ये गद्दों की खोल होती है ना, इस खोल में प्यार भर लिया ढेर सारा, रुई कम पड़ रही है गरीब आदमी, तो प्यार भर के एक बिछा लिया एक ओढ़ लिया। ऐसा हमने भी ओढ़ा है बचपन में, इस दौर से हम खुद गुजरे हैं। हम स्वयं इस बात को इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ देखा है ये दौर।